नमस्कार दोस्तों, मेरी पिछले दिनों पॉजिटिव माइंडसेट पर एक वर्कशॉप हुई थी। इस वर्कशॉप का पार्ट वन मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूं और ये है अब इसका पार्ट टू। कमाल भरी प्रैक्टिकल लर्निंग्स और साथ के साथ उनकी प्रैक्टिस भी। कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। देखिए ओके, क्या हम शुरुआत करें जल्दी से? अगर आप लोग तैयार हैं तो आर फॉर रेडी लिख दीजिए चैट विंडो में। वेलकम अनीता जी, आप मेरे पहले पेज पे दिखाई दे गई अभी। रेडी 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 ओके। हमारी अगली लर्निंग है मुड़ मुड़ कर ना देख से मेरा मतलब है कि हम लोग आमतौर पर बीते हुए कल के अंदर जो हमारे साथ हुआ है उसको सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। अपनी जिंदगी में तमाम वो चीजें याद करते रहते हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर अच्छी नहीं हुई, हमारे हिसाब से नहीं हुई, हमें लगता है कि हमारे लिए गलत है, इनसे हमारा नुकसान हुआ है। मतलब बुरी यादें, रिलेट कर रहे हैं आप इस बात से? होता है ऐसा, ज्यादातर यही होता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या अपने घर के अंदर आप कबाड़ को संभाल के रखते हैं? क्या आप अपने घर के अंदर कबाड़ को संभाल के रखते हैं? नहीं। क्या करते हैं? समेटा थोड़े दिन बाद और कबाड़ी को दे दिया या फेंक दिया। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। घर में पड़ा रहा तो घर में बदबू फैलेगी, गंदा दिखेगा घर, खराब लगेगा। हाँ या ना? युक्ता जी क्या बोलते हो आप, बात सही है? तो जो बीते कल की बातें होती हैं, बुरी यादें, आपको क्या लगता है, क्या आप वो किसी काम की हैं आपके? क्या आप उन घटनाओं को बदल सकते हैं, कोई चेंज ला सकते हैं उनके अंदर? आपका कंट्रोल है क्या जो बीत चुकी बात है उस पर, किसी पर भी? या आपका कंट्रोल है आने वाली बात पर, किसी पर? वो कंट्रोल में है, उसके लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं। कहां कर सकते हैं आप? जो कुछ कर सकते हैं आज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। आज सही डिसीजन ले लें, आज सही कोई काम कर लें, ताकि आने वाला कल शायद थोड़ा कंट्रोल में कर सकें हम। फिर भी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश आने वाले कल के लिए हम आज कर सकते हैं। जो बीत गया उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जो चला गया उस बोझ को हम अपने ऊपर लेकर क्यों चलते रहे, जीवन भर हम उसको क्यों ढोएं? आज के जमाने में आप जानते हो कि कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सभी के अंदर एक डिलीट बटन होता है, होता है या नहीं? क्यों होता है? इसलिए कि जो भी पुरानी चीजें हैं, जो भी उसका डेटा आपका यूजफुल नहीं है, अब उसको डिलीट मार दो। डिलीट मार देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस आपके मोबाइल की, आपके सिस्टम की, लैपटॉप की, डेस्कटॉप की बढ़िया हो जाएगी। हाँ या ना? इसलिए उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई क्योंकि हमने पुराना डाटा उसमें से निकाल दिया। क्या हम ये काम अपने दिमाग के साथ नहीं कर सकते, अपनी लाइफ के साथ नहीं कर सकते, कि जो जैसे हम पुराने कबाड़ को फेंक देते हैं, उस तरह के हम पुराने तजुर्बों को, जो हमारे अच्छे नहीं है, कबाड़ बोलूंगा मैं उनको, जो बिल्कुल यूजफुल नहीं है, जो बुरे हैं, जो हमें कष्ट देते हैं, सिर्फ तकलीफ देते हैं उन यादों को करके, उनको निकाल नहीं फेंकना चाहिए। देखो, बीते हुए अनुभव, जो तजुर्बे जो हमारे होते हैं, एक्सपीरियंसेस जो हमारे होते हैं, उनका काम बस इतना है कि उनसे हम सीख ले लें और वो गलती फिर आगे ना दोहराएं, इतनी कोशिश कर लें। गलती हो जाएगी फिर भी वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। और क्या करना चाहिए साथ के साथ हमें, जो प्यारी और खुशनुमा अच्छी बातें होती हैं, अच्छी यादें होती हैं, हर एक की लाइफ में होती हैं, 100% होती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ में कोई अच्छा नहीं है, अगर वो कह रहा है तो चीटिंग है, ऐसा होता ही नहीं, पैदा हुए हो यही सबसे अच्छी बात है। तो हमें अच्छी बातें सहेज कर रखनी चाहिए, बुरी बातें छोड़ देनी चाहिए। क्या आप लोग अब सभी तैयार हैं एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन करने के लिए? उससे पहले आपको एक काम करना है, अपनी कोई एक बुरी याद, सभी की कोई भी हो सकती है, जो आपको बहुत दुखी करती है, उसको याद कर लो। इस समय उसको आज हम निकालेंगे। एक्साइटेड? आई एम श्योर कि बुरी यादें भी सभी के पास होती हैं, जैसे मैंने पूरे दावे के साथ कहा कि अच्छी यादें सबके साथ होती हैं, बुरी यादें भी सबके साथ होती हैं, लेकिन शर्त एक है कि जब आप ये मेडिटेशन करेंगे तो इसको आप मेडिटेशन की तरह ही करेंगे। आप चलते फिरते, घूमते फिरते, ये सब करते या लेट कर नहीं कर पाएंगे। मेडिटेशन है, उसको फील करना पड़ेगा, कुछ बॉडी लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी, कुछ फेस एक्सप्रेशंस यूज करने पड़ेंगे, तो सारी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी। मैं बता दूं आपने क्या करना है, 7 छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं हमने। सबसे पहले रिलैक्स करना है, डीप ब्रीदिंग कराऊंगा मैं, कराऊंगा जब मैं कराना शुरू करूंगा तो बाकायदा बताऊंगा, पहले आपको जल्दी से बता देता हूं ताकि आप समझ जाओ कि हमें करना क्या। फिर उस इंसिडेंट को याद कीजिएगा, जो भी आपकी बुरी याद है उसको याद करना है, ठीक है?
उस याद से क्या लर्निंग आपने ली उसको याद करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा उसके बाद अपने नेगेटिव इमोशंस उनको रिलीज करना है। रिलीज करने का तरीका मैं बताऊंगा। उसके बाद हम माफी मांगेंगे, माफ करेंगे किसको, अपने आप को, और जो भी उस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति आपकी नजर में है, आपको लगता है कि इसने गलत किया है, उसको जरूरी क्यों है ये, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर वापस हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये हमारी लाइफ में हो चुका है। बहुत बार क्या होता है कि जो एक्सेप्टेंस नहीं होती ना हमारी लाइफ में, कुछ गलत हो चुका है उसको स्वीकार नहीं पाते। बुरे से बुरा अगर हो गया है उसको एक्सेप्ट कर लो तो उसका जो वजन है ना वो कम हो जाता है आपके दिल पर। लास्ट स्टेप होगा, नहीं सेकंड लास्ट स्टेप होगा कि आप वापस से न्यूट्रल में आओगे, वर्तमान में आओगे, और आपको बताऊंगा कि आपने क्या लर्निंग ली वो आपको याद करनी है। और लास्ट में हम फ्यूचर में जाने की कोशिश करेंगे और फिर से हम ये देखेंगे कि अब अगर हमारे साथ वैसी घटना होती है तो हम किस तरीके से उसको रिएक्ट करेंगे, और आप पाएंगे कि आपके वो सारे के सारे जो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स है ना वो दूर हो गए। कांतिलाल जी बैठ जाइए, अब ये आपको बैठ के करनी है। सारे लोग बैठ गए, आर फॉर रेडी, सब लोग बिल्कुल सेटल, हाथ उठा के बता दीजिए यू राइट। तो सब लोग म्यूजिक और मेरी आवाज क्लियर है ये मुझे एक बार बता दीजिए। म्यूजिक मैंने ऑन किया है, म्यूजिक की आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड, और लाउड भी नहीं है, मेरी आवाज भी ठीक है। ठीक है, सब लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। प्रैक्टिकल करेंगे, हमारे एक चीज का ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। आंखें बंद, चेहरे पर स्माइल, और ये स्माइल आपकी एंड तक जानी नहीं चाहिए, चेहरे से हटनी नहीं चाहिए। कोशिश करके रखिएगा इस स्माइल को। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं स्माइल नहीं कर पाऊंगी, स्माइल नहीं कर पाता मैं दुखी आत्मा हूं, तो नहीं, दुखी आत्मा नहीं बनना है। कुछ देर के लिए आपने खुश हो जाना है, राइट। अब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, आंखें बंद करके फिर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, क्योंकि जब भी हम आईज क्लोज करते हैं तो हम बाहरी दुनिया से अपना थोड़ा सा कनेक्शन कम कर लेते हैं, अंदर जाते हैं। सांस भीतर, सांस बाहर। महसूस कीजिए कि जब आप सांस ले रहे हैं भीतर तो खुशियों को अंदर ले रहे हैं, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो तनाव को बाहर छोड़ रहे हैं। वंस अगेन, सांस भीतर, सांस बाहर। सांस भीतर, सांस बाहर। रविंद्र जी बैठ जाइए, बैठ के कीजिए मेडिटेशन। ब्रीद आउट। अब बस खामोशी से ये लंबी गहरी सांसें लेते रहिए और देखते रहिए कि आप सांस ले रहे हैं, अपनी सांसों को देखिए एक दर्शक की तरह। महसूस कीजिए कि आप सांस ले नहीं रहे, वो अपने आप चल रही है और आप बस देख रहे हैं। और अब अपना लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ अपनी बाईं ओर फैलाएंगे, लेफ्ट हैंड फैलाते जाएंगे, और अब उस बीते हुए कल की घटना को याद करेंगे। वो घटना कोई भी हो सकती है, वो बुरी याद आपको अभी भी सता रही है, याद कीजिए उसको, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। कौन सी वो याद है जो आपको बार बार खींच के परेशान करती है? ये घटना सबकी अलग होगी, इसलिए मैं किसी घटना का नाम नहीं ले रहा हूं, बस किस तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। कोई भी आपकी घटना ऐसी हो जो आपको इस समय दुखी कर रहे, याद करो उस घटना को। क्या आपको आपके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था, आपकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया था, छोड़ दिया था, तलाक हो गया था, पति ने बुरा व्यवहार किया, पत्नी ने बुरा व्यवहार किया, कारोबार में कोई ऐसा लॉस हो गया जिससे आपको लग रहा है कि वरना मुश्किल है, याद कीजिए उसको, महसूस कीजिए। कोई ऐसा काम आपने गलत कर दिया जिसके गिल्ट से आप अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, महसूस कीजिए। आपका कोई प्यारा, कोई प्रियजन गुजर गया, आपका कोई अपमान हुआ, कोई नाकामयाबी आपको मिली, कोई इनसिक्योरिटी आपके मन में बैठी हुई है, याद कीजिए वो कौन सा नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इंसिडेंट है जो आपके मन में जमा बैठा है, घर कर चुका है। उसे पूरी डिटेल में याद कीजिए, कैसे कैसे वो हुआ था,
पूरा घटनाक्रम, पूरा इंसिडेंट मन ही मन दोहराइए। ये इंसिडेंट सबके अलग होंगे। अपनी बाईं ओर आपका पूरा हाथ रहेगा, आपका लेफ्ट हैंड बाईं ओर। विचार कीजिए कि क्या क्या हुआ था तब, याद कीजिए उस घटना के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ। देखते रहिए उस बुरे हादसे को जिसने आपको कष्ट दिया, दुखी किया। उस इमोशन को महसूस कीजिए जो उस वक्त आपके मन में आए थे, उस घटना के वक्त तो जो भी भाव रहा हो आपका, गुस्सा, घृणा, दुख, उदासी, नफरत, जलन, गिल्ट, बेचारगी, क्या था वो इमोशन? एक्सट्रीम इमोशन जब आप बहुत दुखी थे, एंजाइटी, चिंता, डर, कौन सी चीज आपको रोके हुए आपकी लाइफ में? याद करो, ये इमोशन आपको हल्का नहीं होने देता। उन दुखद पलों को याद करते रहो। यही नेगेटिव इमोशन, यही तकलीफ आप कल्पना कीजिए कि आप सालों से संभाले हुए हैं, 5 साल, 10 साल, और आने वाले 10 साल तक आप इसी तकलीफ को संभाले हुए हैं। कैसे रहेगा आपका जीवन, कैसा हो जाएगा आपका जीवन? 20 साल, मरते दम तक आपने वो याद संभाल के रखी है, अपनी बुरी याद। देखिए आप अनसेटिस्फाइड जा रहे हैं, कितने दुखी महसूस कर रहे हैं। अगर आपका मन रोने को कर रहा है या कोई और भावना आपके मन में याद आ रही है, तो अपने इस इमोशन को भी बह जाने दो। आंसू आ रहे हैं, निकल जाने, बह जाने। जो भी इमोशन है उसे गुस्सा करके, अगर आंसू नहीं आ रहे हैं तो गुस्सा करके अपनी मुट्ठियां भींच कर, बायां हाथ आपकी पूरी मुट्ठी भींच जानी चाहिए। कोई आंसू आ रहा है तो आंसू आने दें। आपका कोई भी इमोशन ऐसा है या आपको लगता है कि आप दिल पे टैप करके ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, इस तरह से उस इमोशन को निकाल सकते हैं, निकालिए, कोशिश कीजिए। अगर वो इमोशन डर का है तो अपने मन ही मन में दोहराइए, अब आप भयमुक्त हैं, फियरलेस हैं। दोहराइए, अगर वो गुस्सा है तो आप अपनी मुट्ठियां भींच लीजिए, अगर वो एंजाइटी है तो आप अपने आप को टैप कीजिए दिल पर, और दोहराइए मन ही मन, अब आप भयमुक्त हैं, डर मुक्त हैं। आई एम फियरलेस, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, मुझे कोई क्रोध नहीं। दोहराइए मन ही मन, मुझे कोई ग्रज नहीं, कोई चिंता नहीं, उदासी नहीं, बेचारगी नहीं, सब बह गया, सब बह गया। रिलीज, रिलीज, छोड़ दिया वो इमोशन जो मुझे दर्द देता था, तकलीफ देता था, नहीं चाहिए वो इमोशन। और अब महसूस कीजिए कि आप रिलैक्स हो रहे हैं, शांत है, आंखें बंद रहेंगी, अभी आपको वो इमोशन नहीं आ रहा। अब आप वापस आ जाएंगे, आपका बायां हाथ, लेफ्ट हैंड वापस आपकी गोद में, वर्तमान में आएंगे, आंखें बंद रहेंगी। अब आप इतने व्यवहारिक हैं, इतने प्रैक्टिकल हैं कि आपका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये महसूस कीजिए कि जो नादानियां आपने उस रिलेशन में की थी या उस इंसिडेंट में की थी, वो जो भी घटना थी, उसको देखिए न्यूट्रल होकर, इस तरह से कि आप तीसरे व्यक्ति हैं, वो सिचुएशन होती तो आप उसे देख रहे होते। महसूस कीजिए कि आपको उससे क्या सीख मिल रही है। उन नादानियों को स्वीकार कीजिए, जो भी वो नादानी थी, बचपना था। और अब लेट गो करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, लेट गो यानी माफ करेंगे। उस इंसिडेंट से जुड़े हुए हर इंसान को, सबसे पहले अपने आप को, अपना लेफ्ट हैंड फिर से पूरा खोलेंगे, उस पास्ट की घटना को फिर से याद करेंगे, अपने आप को इतने दिन तक इस नेगेटिव इमोशंस में रखने के लिए अपने आप को माफ करेंगे। सबसे पहले आई एम सॉरी,
मैं इतने समय तक अपने आप को इस तकलीफ, इस दुख और दर्द भरी याद के साथ जीता आया, और अब जो भी कोई अन्य व्यक्ति, एक या एक से अधिक, जो भी उस घटना में शामिल रहा हो, उन सबको माफ कर दीजिए। माफ करेंगे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी माफी की। उन सभी के चेहरे बारी बारी से आप महसूस कीजिए, देखिए आप मुस्कुराते हुए उन्हें माफ कर रहे हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, कल्पना कीजिए कि आपने उन्हें माफी दे दी और जिम्मेदारी ले ली उस घटना की। बोलिए मेरे साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये माफी आपके मन की शांति के लिए जरूरी थी। अब आप शांत महसूस कर रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए उस घटना को। जो भी वो घटना थी, जो भी वो इंसिडेंट था, वो आपके बीते हुए जीवन का हिस्सा था, वो बीत चुका है, अब उसका कोई महत्व नहीं। आज की डेट में उसका कोई अस्तित्व नहीं। महसूस कीजिए कि अब वो बीत चुका है। ये स्वीकार्यता, ये एक्सेप्टेंस जरूरी है। ऐसा करने से उस घटना से संबंधित जो भी आपके इमोशंस हैं, एहसास हैं, वो सब खत्म होते जा रहे हैं, और अब आप पूरी तरह न्यूट्रल मोड में आ गए। आपको वो घटना अब याद तो रहेगी, लेकिन अब वो दर्द नहीं देगी। उसकी, उस घटना की ताकत खत्म कर दी आपने, उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, उसमें से भावनाएं निकाल दी जिसके कारण वो इतनी स्ट्रांग थी। अब वो घटना केवल शब्द है या दृश्य है, वो तस्वीरें जिनके माध्यम से उन्हें याद करते हैं, लेकिन वो इमोशंस जो आपको तकलीफ देते थे, वो आपने रिलीज कर दिए। लंबी और गहरी सांस लेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में तेज तेज रगड़ेंगे, एनर्जी क्रिएट कीजिए, ऊर्जा क्रिएट कीजिए, और अपनी आंखों पर हाथों को, हथेलियों को रखेंगे, अपनी आंखों को अंदर ही अंदर खोलने की कोशिश करेंगे, खोलेंगे और गोल गोल घुमाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और फिर से बंद कर देंगे, और एक बार फिर से अपने दोनों हाथ रगड़ेंगे चेहरे पर, उस ऊर्जा को महसूस करेंगे, और अब फिर से उस इंसिडेंट को, आंखें बंद रहेंगी, देखेंगे उस लर्निंग को कि आज जो कुछ हुआ, अगर ये आज हो रहा होता तो आप कैसे रिएक्ट करते। घटना वही, लेकिन आपकी अप्रोच नहीं। अब आप आंखें बंद रहेंगी, अपने राइट हैंड को, दाहिने हाथ को पूरी तरह दाईं ओर ले जाएंगे। देखिए उस घटना के, घटना से उबरने के बाद, घटना से बाहर आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, फ्यूचर कैसा लग रहा है आपका, हैप्पी, सेटिस्फाइड, पीसफुल। और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो मालूम क्या हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस को मैसेज जा रहा है, संदेश छोड़ रहे हैं कि आप उस बुरी याद को छोड़ चुके हैं। दोहराते रहिए, आपका दिमाग इस बात को स्वीकार कर लेगा। दोहराते रहिए कि आगे आने वाला जीवन आपका बहुत शानदार है, क्योंकि आपका दिमाग नकली और असली घटना में कोई फर्क महसूस नहीं कर सकता। यही विज्ञान है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अब एक लंबी और गहरी सांस लेंगे फिर से, दोनों हथेलियों को फिर से रगड़कर एनर्जी क्रिएट करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, और अब फिर से अपने चेहरे पर, आंखों पर, माथे पर, गर्दन पर ये हाथ फिराएंगे, और मुस्कुराते हुए अब अपनी आंखें खोलेंगे और अनम्यूट करके कितने लोग शेयर करना चाहेंगे अपना ये एक्सपीरियंस। वर्चुअल हाथ रेज कर दीजिए, अपना हाथ रेज करके। यस वेंकट, बताइए।
तो अच्छा महसूस हुआ सर, दैट दिस इंसिडेंट हैपेंड इन 2007. सिंस देन आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट, बट नाउ बाय योर ग्रेस आई कैन मैनेज दैट थिंग्स. आई एम वेरी एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव ए गुरु लाइक यू. थैंक यू वेरी मच. आई हैव थैंक बीन यू, प्रिफरिंग योर वीडियोस फॉर द लास्ट 1 वीक. आई वाज एंग्रोस्ड टोटली. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच थैंक वेंकट यू. जी थैंक फॉर यू फॉर शेयरिंग. गिविंग सच एन अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सर. यस, बहुत अच्छा लगा सर. कौन बोला हाथ पर करके? अच्छा सर मनीषा जायसवाल जी, मनीषा जी, क्या सर, एक्सपीरियंस आपने लिया? मेरा 12 साल से मैं जिस एंजाइटी में जी रही थी उसको मैंने अभी रिलीज होते हुए देखा. मैंने अभी आपने जो भी एक्सरसाइज करवाया उससे मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे बैड इमोशन सब गायब हो गए. वाह, 12 साल से आप ये एंजाइटी संभाले हुए थी? यस सर, मतलब मैं ऐसे सिचुएशन में थी जिसमें मैं एकदम लगता था कि मैं फंस चुकी हूँ, और अब मैं अपने आप को रिलैक्स समझती हूँ. नाइस, थैंक यू वेरी मच. हालांकि वो इमोशंस कभी कभार मुझे थोड़ा ट्रॉमा में ले आते हैं, लेकिन मैं अब ये एक्सरसाइज करने के बाद अपने आप को बहुत रिलीफ समझ रही हूँ. हाँ, और इसकी प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर करेंगी तो परमानेंट आपके दिमाग से ये पक्का निकल जाएगा. थैंक यू थैंक वेरी यू मच सर. मनीषा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग. थैंक यू सर. ओके फाइन. यस दीपशिखा, आपने मैसेज डाला है ग्रुप पर कि आप शायद कुछ शेयर करना चाहती हैं. आप कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं, अगर आप अपना हैंड रेज करेंगी तो आप शेयर कर सकती हैं. यस दीपशिखा, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को. यस सर, थैंक यू सर. मैं आपके मिनी कोर्स में हूँ जो आप 9:30 से लेते हो. और सर अभी ना मेरी लाइफ बहुत स्टक हो गई थी, मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इसी वजह से आपने जो भी प्रैक्टिस कराई हो पोनो पोनो और जो भी आपने कराया सर, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. मेरी जॉब लग गई और जॉब भी वाह, मतलब काफी हाई अमाउंट से लगी है, और जितने भी रिलेशनशिप में जितने हो गए हैं सबका बिहेवियर एकदम नॉर्मल हो गया. सर मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ आपकी वजह से ये हुआ है सर. इतनी साल की मेरी शादी के 8-9 साल हो गए, तब से मैं ये प्रॉब्लम को फेस कर रही थी और अब जाके मेरा सब कुछ सॉल्व हो गया और मैं बहुत 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 खुश हूँ सिर्फ आपकी वजह से सर. और अभी ना मैं आपको वो वाला कोर्स दूंगी जो आपका जो मास्टर वाला कोर्स मास्टर है वो भी कोर्स. मैं ले लूंगी, क्योंकि ये फाइनेंस तो यस सर. आई एम हैप्पी फॉर यू दीपशिखा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग. ओके, और कोई? सर मैं एक्चुअली क्या हुआ ना कि मुझे ऐसे कभी समझ में ही नहीं आता था कि मुझे इतना डर क्यों लग रहा है. मतलब हर एक छोटी छोटी बात में अचानक से डरना, मतलब सहमना, मतलब एक अजीब सा नेचर हो रखा था मेरा. लेकिन जब से मैंने आपका प्रेयर शुरू किया और आपका एक वीडियो है क्या यूट्यूब पे, वो डर और चिंता से मुक्ति वाला, वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी अभी, तो मैंने फील किया कि मेरा 40-50% डर धीरे धीरे अपने आप कम हो रहा था करके. और आज जब आपने अभी ये मेडिटेशन करवाया सर, तो मुझे ये याद आया कि मैं जब वो मैंने वो याद किया तो वो घटना जो मेरे साथ बचपन में हुई थी, जो मैं बहुत छोटी थी, 6, 7 या 8 में कुछ होगी, वो घटना मेरे सामने पूरी एज इट इज आ गई. और मुझे याद आया कि वो डर मेरे उस टाइम से मेरे मन में बैठा हुआ है और उसी को मैं इतने साल से ऐसे कैरी कर रही थी, जिसकी वजह से वो डर मेरा दिन 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 और बढ़ते ही जा रहा था. जिसकी वजह से सर आज आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मुझे इतने साल हो गया मैं डिप्रेशन की मेडिसिन भी खा रही हूँ, जो मेरा अब एक टाइम हो गया है दवाई, अभी मैंने एक टाइम कर दी है सर. तो थैंक यू वेरी मच सर इसके लिए. मतलब थैंक यू वेरी मच, एंड यू आर अ मैजिशियन. और आप अभी भी प्रैक्टिस कर मेरी रही हैं उसके रिजल्ट से. और अभी मेडिटेशन करने के बाद तो सर मुझे ऐसे लग रहा है कि वो घटना मेरे दिमाग से पूरी हटी गई है, ग्रेट रिलीज हो गई. ग्रेट हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ग्रेट, सर, मुझे बहुत कांग्रेचुलेशंस दीजिए अच्छा. ज्योति जी को भी, सभी लोग बधाई दीजिए. यू आर मैजिशियन ज्योति जी, ग्रेट. थैंक इसी तरह के यू रिजल्ट्स सर. होते हैं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस किसी भी चीज की करें तो. नहीं सर मैं कर रही हूँ, मैंने अपने गुस्से में भी देखा है सर, मेरा स्ट्रेस गुस्सा भी, मैंने जब आपका गुस्सा वाला भी वीडियो प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरा गुस्सा भी बहुत कम हुआ. इवन मेरी बेटी है वो मेरे को बोल रही है मम्मी आप अभी कौन सा प्रेयर कर रहे हो, उसने मेरे से वीडियो लिया है कि आप में वाह, बहुत फर्क आया है, बोल रही वेरी नाइस, थैंक यू वेरी वो मच. सर, उसने मेरा बिहेवियर देख के उसने मेरे से ही लिए सारे. सर सोचो ये मेरे लिए बहुत बड़ा वो है क्या सर, मेरा क्या सर. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. बच्चे करने लगे, इससे बड़ी क्या बात हाँ वही सर. है. ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस.
और ये तो रिजल्ट्स हैं कुछ वीडियोस देखने के और मिनी कोर्स करने के। आप सोचिए जिस कोर्स से मैं सारी लर्निंग्स छोटी छोटी देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर मैं इतनी वैल्यू देता हूँ तो अगर किसी से मैं चार्ज करता हूँ पैसे लेता हूँ तो उनको कितनी वैल्यू देता हूँ, यस सर, है ना। गुड, अब यहीं पे हम खत्म नहीं करेंगे। आज आप लोगों ने वादा किया कि टिके रहेंगे, मैं भी टिका रहूंगा और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। ये शेयरिंग हो गई, ठीक है, हमने बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, लेकिन अगली लर्निंग, नेक्स्ट लर्निंग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, नोट कर लीजिए। क्या बोलती पब्लिक, परेशान रहते हैं इसी बात से? सब लोग परेशान रहते हैं इस बात से, हाँ या ना? लेकिन वो लोग परेशान नहीं रहते इस बात से जो आप अपनी जिंदगी में कामयाब है। आज हमारा सारा का सारा, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, शायद मैं सारी ना बता पाऊं, टाइम जिस तरीके से भाग रहा है तेजी से, आप लोग रुकेंगे टिकेंगे सारे लोग तो अच्छी बात है, बताने की कोशिश करता रहूंगा। उस सारे माइंडसेट में आपको वो सारी सोच, वो सारी फ्रिक्वेंसी बताने वाला हूं जो एक कामयाब इंसान के मन में रहती है। इस बीमारी के शिकार हम अक्सर रहते हैं और आप लोग भी इस बीमारी के शिकार हैं, तो चैट विंडो में लिखिए वाइप और यस कि हाँ मी और यस, जो आपको ठीक लगता है। लोग क्या कहेंगे, लोग ये सबसे बड़ा रोग, जाने कितने ही लोग अपने काम पूरी तरह से करना शुरू ही नहीं कर पाते इस बात से, जिंदगी भर इसी चिंता में रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो मेरे बारे में क्या कहेगा। जो काम हम कर सकते हैं हम वो भी नहीं कर पाते, शुरुआत ही नहीं करते। देखिए कितने लोगों ने लिखा, कितने लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस बात से, यस 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 मी, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए मी। कितने लोग यही महसूस करते रहे हैं जिंदगी भर। देखो जब आप कोई भी काम करते हो जो आपको लगता है कि वो सही है, तो आप सोचो कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उसको सही कहेंगे क्योंकि आपको वो लग रहा है सही, सारी चीजें तो यूनिवर्स के अंदर है, कुछ लोगों के लिए वो सही होगी और कुछ लोगों के लिए आप कितना भी सही कर लो, जो वाकई सही आप है उसमें भी लोग गलतियां निकाल लेंगे, उसमें भी कहेंगे कि हाँ भाई ये गड़बड़ है। फिर जब कुछ गलत है तो भी लोग कह रहे हैं, गलती निकाल रहे हैं, और जो सही है तो भी लोग गलती निकाल रहे हैं, और जो सही नहीं है तो भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं, और जो सही है तो भी उसे नापसंद कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? समझिए इस बात को कि अगर आप गलत हो, आपको पता है कि आप गलत हो, तो डर किस बात का, किस बात की चिंता? और आपको यह पता है कि आप सही हो, तो किस बात का डर, किस बात की चिंता? समझ रहे हो आप मेरी बात को भाई? 50% लोग होंगे या 30-30-30 इस तरह से होंगे, दुनिया सब लोगों को आप क्या कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तिहाई लोग ऐसे होंगे जिन्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तिहाई लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपकी बातें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन एक तिहाई लोग तो होंगे जिन्हें आपकी बातें पसंद आएंगी। क्या आपको लगता है कि सारे के सारे, मैं जो इतनी सारी पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूँ और काफी देर बोलने की हिम्मत रख के बैठे हुआ हूँ, सभी लोगों को पसंद आ रही होंगी? देखो बहुत सारे लोग चले भी गए, 100 लोग तक करीब जुड़ गए थे, अभी देखो काफी चले गए जैसे ही हमने ब्रेक लिया उसके बाद, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? सबके सब लोग सारी की सारी चीजें आपकी सही माने ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन ये इमोशन हमारे मन में बहुत घर करके बैठा होता है, ऐसे पांव जमाए हुए होता है जिसकी वजह से हम कामयाबी ले ही नहीं पाते। और देखिए हमारी जिंदगी में हम 2 तरीके के इमोशंस के अंदर जीते हैं, एक मुझे ये इमोशन चाहिए, एक मुझे इमोशन नहीं चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स कोर्स के, वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस बात को, उनको ये डिटेल में कराया हुआ है। इसलिए 2 इमोशंस होते हैं, ये हमें चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। अब किसी इमोशन को जो हमें चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, उसके लिए, उससे ड्राइव होकर हम कोई काम करते हैं तो उसके रिजल्ट बेटर होंगे, या मुझे नाकामयाबी नहीं चाहिए, या मुझे कोई कुछ कह ना दे, उससे ड्राइव होकर आप मजबूरी में कोई काम कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स बढ़िया होंगे। जो आपको चाहिए उसके लिए करेंगे तब काम बढ़िया होगा ना, हाँ या ना? ये हमारा अपना क्रिएटेड इमोशन होता है एक, जिसके अंदर हम डूबे हुए हैं, हमारी पूरी लाइफ इसके अंदर हम वो लगा देते हैं, लेकिन हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करने के लिए एक तरीका हमारी होपोनोपोनो प्रेयर है, जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको एक एक करके ये प्रेयर रिलीज करती है। तो आइए अब हम एक बार अपने इस इमोशन के लिए भी प्रेयर करेंगे, अपनी ओवर थिंकिंग के लिए, जिसमें हम रात दिन यही सोचते रहते हैं कि भाई वो क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, दुनिया कहेगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा।
अगर मैंने ऐसा कर दिया जाने में कैसा लगूंगा, कैसा दिखूंगा, ढेरों लिमिटिंग बिलीफ हमारे मन में समाये रहते हैं। आप लोग तैयार हैं करने के लिए, एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो जल्दी से लिख दीजिए चैट विंडो में यस आर फॉर रेडी। मैं म्यूजिक ऑन कर रहा हूं और अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रखिए, आप आंखें बंद कीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। कौन सी मुस्कुराहट? बंगाल से गुजरात वाली, बड़ी वाली, छोटी मोटी नहीं, एमपी टू एमपी नहीं चलेगा, बंगाल से गुजरात, राइट। और ये स्माइल आपके चेहरे से जानी नहीं चाहिए। आप बोलिए मेरे साथ, मैं 100% जिम्मेदार हूं अपनी इस नेगेटिव फीलिंग के लिए, अपनी ओवरथिंकिंग के लिए, और मैं जान गया हूं कि ये ओवरथिंकिंग मेरा अपना क्रिएटेड इमोशन, मेरा क्रिएटेड, ये हमेशा मेरे मन में रहता है। मैं यही सोचता रहता हूं, अगर मैंने ये कहा, अगर मैंने ये किया तो वो क्या कहेंगे, अगर मैंने वो किया तो ये क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं किसी एक या दो बात के लिए नहीं, इस या उस बात के लिए नहीं, हर बात के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव विचार, नेगेटिव इमोशंस अपने मन में रखता हूं, डरता रहता हूं, चिंताएं करता रहता हूं, लोग क्या कहेंगे। मैं इस भाव के लिए माफी मांगता हूं, इस भाव से माफी मांगता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इसके कारण बहुत बार मेरे काम की क्वालिटी अच्छी भी हुई। थैंक्स, मैं अपनी इस फीलिंग के कारण ज्यादा सतर्क हुआ, सावधान हुआ, अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहा। आई लव दिस इमोशन, ये मेरा खुद का इमोशन है, मेरी ही तरह यूनिवर्स की एक एनर्जी है। आई लव माई फीलिंग, आई लव ऑल माई फीलिंग्स, सॉरी फॉर माई फीलिंग्स, सॉरी मेरी लोग क्या कहेंगे ऐसी वाली फीलिंग के लिए, थैंक्स मेरी लोग क्या कहेंगे ऐसी वाली फीलिंग के लिए, एंड लव यू मेरी लोग क्या कहेंगे ऐसी फीलिंग के लिए, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, आंखें खोलिए और बताइए मजा आ रहा है या नहीं, लाइफ सॉर्टेड लग रही है या नहीं, मन से वो डर निकल रहा है या नहीं। जल्दी जल्दी चैट विंडो के अंदर लिख दीजिए जो भी आप महसूस कर रहे हैं इस समय। बहुत लाइट, बहुत अच्छा, रिलैक्स, ओके। देखिए, यस यस यस, मैं वैसे, मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं जो मेरे मास्टर कोर्स से लोगों को मिले हैं वो शेयर करने के लिए रखे हुए थे, पर मैं आपके साथ अभी वो शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, मैं वो ज्यादा बताता रहूँ। लर्निंग्स, रिजल्ट्स आपको जो चाहिए वो मैं आपको ग्रुप पर भी शेयर करूंगा, आप बाद में भी देखेंगे तो भी चलेगा, चलेगा या नहीं, लेकिन मैं ग्रुप पे ये सारी चीजें, सारी बातें नहीं कर सकता जो यहां कर रहा हूं, है ना। हालांकि मुझे वो रिजल्ट्स दिखा के अपना कोर्स सेल करना है, लेकिन बावजूद मैं कर ये रहा हूं क्योंकि मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है, वो सेकेंडरी है, वो इंपॉर्टेंट है पर सेकेंडरी है। तो अगली लर्निंग, लर्निंग नंबर कौन सी है ये कौन बताएगा, किसी को याद है हम कितनी बातें कर चुके हैं? किसी को याद नहीं है? चैट विंडो में देखूं यार किसी ने लिखा है क्या। छे 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 हो चुकी है, सातवीं लीजिए, पलट तेरा ध्यान किधर है। अब ध्यान मतलब फोकस, ध्यान वो वाला नहीं, मेडिटेशन वाला नहीं, पलट तेरा ध्यान किधर है। आप देखिए कि हम अपनी लाइफ के अंदर किन चीजों पर फोकस करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में सोचते हैं या पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचते हैं। हर चीज की नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव चीजों पर हमारा फोकस करना। जिस तरह बगीचे के अंदर फूल होते हैं, उनकी खुशबू होती है, हम उनकी तरफ ध्यान दें या हम उन कांटों की तरफ ध्यान दें जो उस फूल के साथ में आते हैं, मिलते हैं,
ये हम पर डिपेंड करता है, हमारा फोकस किस चीज पर है। देखिए ध्यान पहले शुरुआत होती है उसके अंदर से, हमारे भीतर से, भीतर से शुरुआत करते हैं, महसूस करते हैं किसी चीज को, ऑब्जर्व करते हैं हमारे आसपास क्या है, और वो चीज बाहर निकलने लगती है, पकड़ लेते हैं हम किसी एक पॉइंट को। अब जिस पॉइंट को हम पकड़ रहे हैं वो पॉइंट क्या है, समझिए ध्यान से, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 5-स्टार होटल में भी जाएंगे ना तो वहां भी ढेरों कमियां निकाल देंगे, होते हैं ऐसे लोग। सड़क पे चल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनको गंदगी दिखाई देगी, जिंदगी के अंदर गंदी चीजें दिखाई देंगी, हर चीज समाज के अंदर सिर्फ बुरी चीजें दिखाई देंगी, कोई फिल्म देखेंगे उसमें बुराई दिखाई देगी, तमाम चीजें उनमें वो अच्छी चीजें खोज ही नहीं पाते। कारण क्या है? फोकस। आपका फोकस अगर नेगेटिव है, आप सिर्फ और सिर्फ बुरी चीजों को देखना चाहते हैं तो आप वो देखते ही रहेंगे, आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, वही आपके सामने आएंगी। कैसे काबू पा सकते हैं इस पर? चलते फिरते अफर्मेशंस करके अपनी चिंता पर काबू पा सकते हैं, डर पर काबू पा सकते हैं, अपने फोकस पर भी काबू पा सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, सबके अपने अपने इमोशंस होते हैं। अब चार गाड़ियां चल रही हैं, दो का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो अलग अलग लोग एक ही ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं, एक आदमी बहुत दुखी है और एक आदमी बस मस्त म्यूजिक लगा के सुन रहा है। जो मैंने कहा था ना कि हर एक के इमोशंस एक सिचुएशन में अलग होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हमारी होती है। एक आदमी हैरान परेशान है, नहीं यार मुझे पहुंचना था, दोनों को एक ही जगह जाना है, एक ही मीटिंग अटेंड करनी है, लेकिन दूसरा उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ट्रैफिक है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कर सकता हूं कि मैं प्रेयर करूं अनिमन कि हाँ मैं सही समय पर सही पहुंच जाऊं, या मीटिंग मेरी बॉस थोड़ा देर से आ जाए तो मैं उस मीटिंग को सही तरीके से कर सकूं। दूसरा आदमी अपने आप को झुंझला रहा है, परेशान हो रहा है ट्रैफिक में, हो सकता है इस चक्कर में वो कहीं किसी को टकरा देगा तो और ज्यादा लेट हो जाएगा, दिमाग उसका फ्रस्ट्रेशन में है, इसका मतलब कि वो वहां मीटिंग में जाकर भी कुछ सही नहीं कर पाए। हाँ या ना? बात सही है, यही होता है हमारी लाइफ के अंदर, हम इसी तरह बेचैन और परेशान रहते हैं। तो हमने यही करना चाहिए कि हमें पॉजिटिव चीजों पर फोकस रखना चाहिए, ना कि नेगेटिव चीजों पर। पास्ट की बीती हुई चीजें, जैसे अभी हम लोगों ने एक एक्सरसाइज मेडिटेशन किया, पुरानी बीती हुई बात हमारे दिमाग में रहती है और वो हमें तकलीफ देती रहती है, उससे हम निकलने की कोशिश ही नहीं करते। अब हम कोशिश करेंगे आज और अभी अपनी पास्ट की कुछ ऐसी अच्छी यादों को, जिनसे आपकी लाइफ अच्छी हुई है, जिनकी वजह से आप प्राइड फील कर सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज है, करना पसंद करेंगे आप लोग? गुड। सभी लोग अपनी कोई 10 बातें, 2 मिनट शांत होकर दिल पे हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और कोई 10 बातें ऐसी याद कीजिए जिन पर कि आपको फक्र हो कि वाह ये मैंने कमाल का काम किया था। आपका स्कूलिंग के अंदर पढ़ाई अच्छी हो सकती है, किसी रिलेशंस के लिए हो सकता है, किसी के लिए कुछ किया हो, कुछ भी देखोगे तो आपको 10 नहीं हजारों चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो आपने भी बहुत अच्छी अच्छी करी है, पर हमारा फोकस उस पर नहीं गया, हम उतने खुश नहीं रहते, बुरी चीजों को समेट कर चलते रहते, ठीक है। और एक चीज ये भी नोट कर लेना कि हाँ आपने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप अटेंड करी, और जो लोग मास्टर कोर्स कर रहे हैं वो तो समझ ही चुके हैं कि हाँ ये हमने बहुत अच्छा किया, राइट। सब लोग, मैं भी याद करता हूँ अपनी कुछ ऐसी अच्छी बातें, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, ये मेरी लाइफ के लिए एक अच्छा मोमेंट है, मैं बहुत सारे लोगों को सिखाता हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग जाती है, राइट। सभी लोग मन ही मन 10 बातें, और टाइम मिलेगा केवल 2 मिनट। बात अच्छी यादों की हो रही है, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, उदासी नहीं, आंखों में नींद नहीं होनी चाहिए, ताजगी और स्फूर्ति होनी चाहिए। देखिए आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं। याद कीजिए उन बातों को यार, अच्छी अच्छी बातें हमारी लाइफ के अंदर। क्या आपने दोस्त बहुत अच्छे बनाए? क्या आप खेल में बहुत अच्छे रहे हैं? खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं? जॉब में आप बहुत अच्छे हैं? बिजनेस स्किल आपकी बहुत अच्छी है? पंक्चुअल हैं आप लाइफ के अंदर? पॉजिटिव रहते हैं आप? कौन कौन सी खासियतें हैं आपकी? क्या आपने कोई अवार्ड जीत लिया था, बहुत खुशी हुई थी? गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था और उसने एक्सेप्ट कर लिया था, या बॉयफ्रेंड से आपकी दोस्ती हो गई थी, आपकी पसंद का बॉयफ्रेंड मिल गया? देखिए कितनी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं, जॉब आपकी पसंद की मिल गई, बच्चे इतने प्यारे हैं, कौन सी वो अच्छी अच्छी चीजें हैं, कौन सी वो अच्छी अच्छी बातें हैं, माँ बाप ने इतना प्यार किया हमें बचपन से,
सब याद कीजिए। तमाम यादें, प्यारी यादें, होपफुल यादें, एक्साइटिंग यादें। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीमे से आंखें खोलिए और बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं अच्छी यादों को याद करके। जल्दी जल्दी चैट विंडो में लिख दीजिए, पॉजिटिव, पीसफुल, मजा आ गया, नाइस नाइस, वेरी नाइस। देखिए, अगर आप ये अभ्यास, जो मैं छोटे छोटे अभ्यास आपको करा रहा हूं, अपनी जिंदगी में दोहराते हैं इन चीजों को, तो आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी, बहुत बदल जाएगी। ये पॉजिटिविटी जो कुछ समय के लिए अभी आपके मन में है, थोड़े समय बाद, अभी यहां से जाएंगे आप, थोड़ी क्लास सेशन खत्म होगा उसके बाद आप कुछ करने लगेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, आपका कोई नेगेटिव इमोशन एकदम ट्रिगर हो जाएगा, तब आपको जरूरत है दोबारा से इस पे प्रैक्टिस करने की। ओके, नेक्स्ट। अभी हिम्मत है सभी की और बैठने की? मेरे खजाने में बहुत है। चलिए, ये भी मैं अपने मास्टर्स कोर्स की एक छोटी सी लर्निंग दे रहा हूं। नंबर 8, मतलब बेमतलब, यानी किसी भी बात का जो मतलब हम निकालते हैं, किसी भी सिचुएशन का, कोई एक सिचुएशन है उसमें जो हम मीनिंग निकालते हैं उससे हमारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। एक फॉर्मूला लिख लीजिए अपने इमोशंस को पहचानने का कि किस तरह से इमोशंस बनते हैं। कोई सिचुएशन हुई तो सिचुएशन प्लस मीनिंग, उस सिचुएशन में आपने कोई मीनिंग निकाला और जैसे ही वो मीनिंग आपके दिमाग में आया, अर्थ आया, वैसे ही कोई एक खास फीलिंग, इमोशन आपके मन में आ जाएगा। ऐसा ही होता है लाइफ के अंदर। मेरी पत्नी ने मुझे कह दिया कि आज तुम खाना बनाओ जाकर, और मैं उसके लिए सोच लूं कि अरे वाह, मैं तो 3 घंटे की वर्कशॉप करके आया हूं और तुम इस पे ऑर्डर कर रही है, बैठी हुई है, मुझे खाना बनाने के लिए बोल रही है, मेरी इंसल्ट कर रही है। क्या हुआ? सिचुएशन थी, एक डायलॉग था उसकी तरफ से आया, और उसके बाद पलटकर मैंने क्या मीनिंग ले लिया? या तो मैं उसका मीनिंग ये ले सकता था, अरे वाह, मुझे अपना आज मेरे हाथ का खाना चाहती है, संडे है, चलो आज मैं बनाता हूं, मैंने वो मीनिंग लिया, या मैंने वो मीनिंग लिया कि ये मेरी इंसल्ट करना चाह रही है, मैं जा रहा हूं, पीछे से कोई मुझे धक्का मारकर चला गया, सिचुएशन है एक, मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूं उस पर, क्या मैं गुस्सा हो जाता हूं कि अरे वाह ये मेरी इंसल्ट करना चाहता है, या मैं कहता हूं अरे लग गया धक्का यार, रास्ते में जा रहे हो जाता है, मुझे किसी ने फोन नहीं किया या मेरा फोन नहीं उठाया, मैं लगातार फोन कर रहा हूं किसी व्यक्ति को और वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, सिचुएशन है, बंदे फोन नहीं उठाते अक्सर। अब मैं क्या सोच रहा हूं, मेरी मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, मुझ पर है, मैं किस तरह से लेता हूं उस सिचुएशन से मीनिंग्स, और जैसे ही वो मीनिंग्स लेता हूं वैसे ही मेरे अंदर एक इमोशन आ जाए, मैंने सोचा इग्नोर कर रहा है, इंसल्टेड फील करने लगूंगा, मैंने सोचा नहीं है, ठीक है यार बिजी होगा, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, पॉजिटिव फीलिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने सोचा कि वाइफ ने मुझे ऑर्डर कर दिया, मेरे मन में एकदम से नेगेटिविटी आ गई कि मेरी इंसल्ट कर रही है, धक्का दे गया यार इसकी इतनी हिम्मत, गुस्सा आ गया मुझे, ट्रिगर कर गया एक इमोशन, लेकिन मैंने कहा कि नहीं चलता है, हो सकता है ऐसा भी हो, मैं उतना ही शांत और उतना ही काम हूं, कुछ भी हो सकता है, किसके हाथ में है इमोशंस? मीनिंग्स के हाथ में, जो मीनिंग्स हम लेते हैं, राइट? अब ये बताइए कि मीनिंग्स जो हमने अलग अलग बातों की निकाली, क्या ये बिल्कुल हमने बचपन से सीखी हुई है, मतलब पैदा होते हुए कोई ऐसा टैग मिला हमें कि हाँ भाई ये मीनिंग तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी अगर कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा तो? नहीं, छोटे से बच्चे को जाकर कहोगे ना कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता, बेबी है लेटा हुआ है पलने में, और आप उसके जाके कहो मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता बेटा, क्या उसे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्या मिसिंग है? मीनिंग मिसिंग है, क्योंकि उस बात का उसे मतलब नहीं मालूम कि हाँ इस बात का मतलब है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, वो तो बस इतना करेगा कि अगर डायपर नहीं पहना हुआ तो शायद आपको गीला कर देगी। तो ये सारे के सारे मीनिंग्स हम पता है कब सीखना शुरू करते हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, घर से, स्कूल से, पड़ोस से, बिजनेस में, नौकरी में, जितने नेगेटिव इमोशंस हैं ये सारे के सारे अंदर होते हैं दबे हुए, पर हम सीख जाते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब किसको निकालें? आप अगर मेरी बातें सुनते रहोगे तो आप पॉजिटिव इमोशंस में आते रहोगे, आप अपने आसपास की नेगेटिव बातें, किसी लड़ाई झगड़े की बातें सुनते रहोगे, नेगेटिव बातें। तो अगर हमें इन नेगेटिव बातों से निकलना है तो क्या करना होगा? इंटरेस्टेड हैं आप जानने के लिए? इंटरेस्टेड हैं तो चैट विंडो में लिखिए यस, आई फॉर इंटरेस्टेड। ओके यस, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हमें न्यूट्रल जोन में आना पड़ेगा।
कोई भी अगर घटना होती है, सिचुएशन होती है, तो हमें मान के चलना चाहिए कि उसका कोई मतलब नहीं। दरअसल किसी घटना का, किसी बात का कोई मतलब नहीं होता, मतलब बस उतना होता है जितना मतलब हम निकालते हैं। किसी ने हमसे झूठ बोला, इस बात का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। किसी ने भला बुरा कह दिया, इस बात का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। परिवार में किसी ने बात नहीं करी, इस बात का क्या मतलब? इग्नोर किया, नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं है। किसी का ब्रेकअप हो गया, इस बात का कोई मतलब नहीं है। क्या ब्रेकअप के बाद लाइफ खत्म हो गई? क्या किसी बड़े लॉस के बाद हम उसको रिकवर नहीं कर सकते? क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को नहीं जानते कि जिनके एक के बाद दूसरे रिलेशंस बने, तीसरे बने, या शादियां दो हो गई या कई हो गई? या आप ऐसे लोगों को नहीं जानते जिन्होंने बहुत लॉस खाया अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन फिर से उठ के खड़े हो गए और बहुत पैसा कमाया? बिल्कुल डूबे हुए से सारे मतलब पुराने पड़ चुके हैं जो हम मतलब लेके चलते हैं, जिनको हम संभाले रखते हैं, उनको बदलने का टाइम आ गया है। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया था ना, मोबाइल से डिलीट कर दो बैड मेमोरीज अपने इस सॉफ्टवेयर से, तो अब आपको ये सॉफ्टवेयर चेंज करने की नौबत है, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने तमाम वो चीजें भर के रखी हुई हैं जो आपकी किसी काम की नहीं है आज की डेट में, उनको बदल डालो। सदियों पुराने हैं, ये पुराना सॉफ्टवेयर, चेंज इट। टेक्निक्स, बी हैप्पी, बहुत शानदार। एंड एंड में जो बताने वाला हूं ना, वो टेक्निक सबसे जबरदस्त है। आप देखो, हर कामयाब इंसान को वो थोड़ा सा क्रेजी होता है। क्यों क्रेजी होता है? कि वो बुरी और नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो वादा कीजिए कि आप लोग भी उस मोड में रहेंगे। टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। कुछ भी गलत होता है आपकी लाइफ के अंदर, आपको लगता है गलत है, टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। देखिए, इसके एक तो मनोवैज्ञानिक कारण है कि आपका बॉडी लैंग्वेज बदल गया। डबल हैप्पीनेस मतलब, पहले आप अगर लो हुए हैं, कुछ गलत हुआ है आपकी लाइफ के अंदर, तो उसको आपको उस जोन से बाहर आना है, न्यूट्रल जोन में, ठीक है? उसके बाद डबल हैप्पीनेस, दुगनी खुशी, जिंदगी इस तरह से चलेगी। कितने लोग वादा करते हैं टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस के लिए, अपनाएंगे इसे अपनी लाइफ के अंदर, सिर्फ सुनेंगे नहीं। ज्ञान इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं है जब तक आप उसको इंप्लीमेंट ना करें अपनी लाइफ के अंदर। इंप्लीमेंट करने के तरीके वाइदा में मैं बताता हूँ, टेक्निक्स हैं बहुत सारी, कुछ मैं यहाँ फ्री में देता हूँ और कुछ मैं बेचता हूँ कोर्स के जरिए। जिन लोगों ने मेरा कोर्स लेना हो, स्वागत है उनका। आज का दिन अच्छा है, ऑफर्स अच्छे हैं, इसलिए कल भी लेंगे तो भी स्वागत होगा, थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। रिजल्ट्स 100% होंगे, जो आप चाहते हैं, जिस तरीके की फीलिंग्स आप चाहते हैं, आपकी को लाइफ में जो चाहिए वो सब मिलेगा, ठीक है? अगेन कह रहा हूं, जिनकी वर्कशॉप छोड़ने की इच्छा है अभी, ना छोड़ें, और बहुत कुछ बचा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा। पार्ट टू कंप्लीट हो गया, क्या आपको ब्रेक की जरूरत है या नहीं? ऐसी ही और कमाल की टेक्निक्स के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 3 का।